करेंगे कोरोना की कहर को लेकर बिहार में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की कमी का कीर्तिमान बन गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे में सूबे में मात्र 2844 जो है नए केस मिले हैं। हालांकि पटना में 490 नए केस मिले, यहां एक दिन में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। मात्र 6 जिलों में 100 से 200 के बीच केस मिले हैं। समस्तीपुर की अगर हम बात कर लेते हैं 201 हैं, बेगूसराय में 141, गया में 139 है, कटिहार में 132 है, औरंगाबाद में 124, पश्चिमी चंपारण में 104 नए मरीज मिले हैं। बिहार के 8 जिलों में 100 से कम केस मिले हैं। सबसे कम मात्र 5 मरीज कैमूर में मिले, जबकि पूरे प्रदेश में 1,20,033 लोगों की जाँच हुई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.5 लाख रोज टेस्ट का लक्ष्य भी रखा है। तेजी के साथ जो ग्राफ है कोरोना का वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन का जो व्यापक असर है वो बिहार में नजर आ रहा है और यही वजह है कि बिहार में अब 1 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे की जो मंशा है वो यही है कि जो ग्राफ है कोरोना का वो जल्द से जल्द कम हो और साथ ही इस चुनौती का हम सामना कर पाए। न सिर्फ कोरोना, ब्लैक फंगस भी अब लोगों को परेशान कर रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रीतम हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, लगातार कोरोना के ग्राफ में कमी देखने को मिल रही है, ताजा आंकड़ा क्या है? बिल्कुल प्रीति, कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से नीचे गिरा है। बिहार में 12 अप्रैल जब से यहाँ 12 अप्रैल यानी जब से दूसरी वेव शुरू हुई उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जबकि कोरोना का जो संक्रमण है उसमें इतनी तेजी से गिरावट देखी गई है। साफ तौर से ये हम कह सकते हैं कि जो सरकार ने नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा की और जिस कड़ाई से इसे लागू किया गया उसी का ये परिणाम है कि बिहार में जो कोरोना के केस हैं उसमें कमी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य विभाग ने इतना कोई बढ़िया काम कर दिया जिस वजह से कोरोना के मामलों में गिरावट हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ये सफलता नहीं है, ये जो लॉकडाउन है उसकी सफलता है और जिस शक्ति से जिस कठोरता से इसे लागू किया गया उसका असर है कि बिहार में जो कोरोना के मामले हैं वो घटे हैं। और न केवल कोरोना के मामले घटे हैं बल्कि प्रीति जो कोरोना से होने वाली मौत है वो भी काफ़ी कम हुई है। राजधानी पटना में जो जिस तरीके से मौत हो रही थी अब जो हमें जानकारी मिलती है वो उसके मुताबिक 50 से भी कम मौतें हो रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन लागू किया गया उसका असर देखा जाता है। जो सड़कें हैं वो अब भी सुनसान हैं, लोगों की आवाजाही कम है। हालांकि जो सब्जी मंडी है वहाँ पर 100-100 लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं, थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है लेकिन अमूमन जो आपको जो दृश्य नज़र आएंगे जो तस्वीरें नज़र आएंगी ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है डाक बंगला चौराहे की है। अभी 9 बज रहे हैं लेकिन गाड़ियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है और आपको वही लोग नज़र आएंगे जिनके पास बेहद ही आवश्यक काम है और जिनके पास काम नहीं है वो घरों में बैठे हुए हैं। तो सरकार ने साफ साफ निर्देश दिया था कि लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है 1 अप्रैल 1 जून तक, कुछ जो शक्ति है लेकिन वो जो शक्ति है जो कठोरता है जो कड़ाई है उसमें कमी नहीं आएगी और उसी का परिणाम है कि बिहार जो है हम बिल्कुल प्रीतम। और देखिए सबसे खास बात ये है कि ना सिर्फ शहर में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है और दूसरी ओर अगर हम देखें तो गांव में अब जो कोरोना संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, यानी कि अभी भी हमें सतर्क रहना होगा और यही वजह है कि 1 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है ताकि इस दौरान इस स्पेस में हम कोरोना की चेन को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो शहरी स्तर है आप प्रीति ये समझिए जो पटना के जो बड़े अस्पताल हैं PMCH हो NMCH हो IG जब यहाँ की हालत खस्ता है तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसे हम लोग PSC कहते हैं, आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पे PSC पे ताला लगा हुआ है, भेड़ जो बकरियाँ बैठी हुई हैं, कुत्ते बैठे हुए हैं, ऐसी तस्वीरें भी देखी है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ गांव में जो बुनियादी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं अगर वो कमज़ोर होंगी, अगर जो टेस्टिंग है और जो ट्रेसिंग है और जो ट्रीटमेंट है अगर ये कड़ाई से लागू नहीं होगा तो गांव जो है बड़ी आपदा में फंस सकता है, बड़े संकट में फंस सकता है। लिहाजा और जो शहरों में जो होना था वो हो गया। अब जो स्वास्थ्य विभाग है जो ANM है जो अधीक्षक हैं अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको चाहिए होगा कि अब गांव में जो टेस्टिंग है ट्रेसिंग है ट्रीटमेंट है उसको बढ़ाया जाए, जो दवाइयाँ जो मूलभूत जो दवाइयाँ होती हैं विटामिन सी की जो दवाइयाँ होती है वो दी जाए। और सबसे बात यह है कि जो गाँव से जो शिकायत वो आती है कि जो
जो कोरोना के मरीज है उन्हें टाइफाइड का उपचार दिया जा रहा है, उन्हें टाइफाइड की बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, देखिए आप लोगों को और भी ज्यादा जागरूक होना होगा, चूंकि ये जो वक्त मिला है लॉकडाउन को जो आगे बढ़ाया है, इसकी बड़ी वजह यही है कि आप सतर्क रहिए। पूरी तरीके से हम चेन को ब्रेक करेंगे। फिलहाल के लिए आपका